एवरीवन, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, कोई ब्लॉग लेकर भी नहीं आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मेहंदी। जी हाँ, आज मैं ये मेहंदी बनाने वाली हूँ। किस तरह से मेहंदी मैं अपने बालों में लगाती हूँ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी रात का समय हो रहा है, रात में ये मेहंदी को मैं बनाकर रख देती हूँ और सुबह हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ली है निशा मेहंदी, ये वाली मैंने निशा हर्बल मेहंदी मैंने ली है। तो ये है ब्राउन कलर और एक मैंने लिया है यहाँ पर ब्लैक। तो एक मैं ब्लैक लूंगी, एक मैं ब्राउन लूंगी, दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। चलो इसको हम कैसे बनाते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, साथ ही अपने बालों में मेहंदी लगाते कैसे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी ले लेंगे। देखिए मैंने पानी लिया है यहाँ पर, इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी कॉफ़ी। कॉफ़ी से कलर हमारे बालों में बहुत अच्छा आता है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, चाय की पत्ती जो होती है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हम अपने शैम्पू में भी थोड़ा सा चाय की पत्ती का पानी मिला देते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और मेथी के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैंने मेथी भी डाल दी और पानी को हम अच्छे से ना बॉईल कर लेंगे। जब पानी बॉईल हो रहा है तब तक हमने यहाँ पर मेहंदी के दोनों पैकेट खोलकर कटोरी में निकाल लिया। देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, इसको हम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मेहंदी में हम डालते रहेंगे और इसके एक सॉफ्ट पेस्ट बना लेंगे। देखिए पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन धुआं उठ रहा है, बट ज़्यादा गर्म नहीं है पानी। इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे जिससे लम्स ना पड़े और ये मेहंदी का घोल जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते रहेंगे और सॉफ्ट पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा पेस्ट ये बना है। और बस रात भर इसको हम ऐसे ही रखा रहने देंगे, सुबह अपने बालों में लगा लेंगे। और मैंने इसमें ब्लैक कलर इसलिए डाला क्योंकि हमारा जो बालों का कलर है वो बिल्कुल नेचुरल लगे। तो एक ब्राउन एक ब्लैक करके मैंने इसीलिए लिया कि हमारा बाल ज़्यादा लाल भी ना हो और ज़्यादा काला भी ना हो, जो नेचुरल कलर मेरे बालों का, इसलिए मैंने इस तरह से लगाए। तो देखिए रात भर मैंने इसको रख दिया था, सुबह हम इसको देखते हैं। तो देखिए मेहंदी हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक जादूगर चीज़ जो कि हमारे बालों में शाइन भी लाएगी और हमारे बाल सिल्की भी रहेंगे। इसमें मैंने डाल दिया एक अंडा। अगर आप अंडा खाते तो अंडा यूज़ करते हैं तो आप अंडा डाल दीजिए, अगर आप अंडा नहीं छूते हैं नहीं खाते तो आप इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल की जगह आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बहुत ही बढ़िया मेहंदी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पर मेरी फ्रेंड आई हुई है तो वो मेरे बालों में मेहंदी लगा रही है। मैंने कहा मैं जा रही हूँ यार, एक बार तो मेरे मेहंदी लगा दो अच्छे से, क्योंकि हम कितना भी अपने खुद से मेहंदी लगा लेते हैं लेकिन इतनी अच्छे से नहीं लग पाती जितना कि कोई दूसरा लगाता है ना। तो मैंने इसको बुलाया सुबह, तो आ गई वो तुरंत, और बहुत अच्छी फ्रेंड है ये मेरी, और आ गई और मेरे मेहंदी लगा रही है। तो देखिए इस तरह से बालों को दो भागों में इस तरह से डिवाइड कर लिया है। अब थोड़ी थोड़ी करके मेहंदी मेरे बालों में लग रही है, ब्रश की हेल्प से ही लग रही है। चाहे तो हाथों से लगाएंगे तो और अच्छे से लग जाएगी। और मेरा बाल जो है वो बहुत ही ख़राब है क्योंकि इधर भी बहुत ज़्यादा मुझे ट्रैवल भी करना पड़ रहा है, तो मेरे बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं हो पा रही है। तो थोड़ी देर पहले मैं सोकर उठी थी और अभी बालों में मेहंदी लगाने के बाद फिर हम घर के बहुत सारे काम करेंगे क्योंकि अभी मुझे पैकिंग भी करनी है, तो होली भी है, तो बहुत सारे काम करने हैं। तो पहले मैंने बालों में मेहंदी लगा लेंगे, उसके बाद हम सारे काम घर के करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये मेहंदी लगा रही है, टू टू पार्ट में बालों को डिवाइड कर लिया। उसके बाद थोड़े थोड़े बाल लेकर थोड़ी थोड़ी जगह बनाकर वहाँ मेहंदी लगाती जा रही। इस तरह से मेहंदी ना बालों में बहुत अच्छे से लग जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग किस तरह से मेहंदी लगाते हैं अपने बालों में, मैं कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ये तरीका सही है या गलत है आप लोग ये भी बताना। तो अगर मैं आप लोग हमसे कुछ सीखते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूं, है ना। वैसे मैंने मेहंदी के और भी वीडियोस डाले हुए हैं अपने चैनल पर, आप लोग देख लेना किस तरह से मैंने खुद से मेहंदी लगाना सीख भी बताया है। दूसरा लगाते हैं तो जूड़ा बना के मेहंदी कैसे लगाते हैं, बहुत सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं। तो ये तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरह से देखिए थोड़े थोड़े बाल करके लेके जा रहे, एक मांग की तरह बनाते जा रहे हैं बालों में, मांग निकालते जा रहे हैं और इस तरह से मेहंदी लगाते हैं। दोनों तरफ बहुत अच्छे से मेहंदी ये लग जा रही है। और मेरे बालों को जब मैं कैमरे में देख रही हूँ ना अपने बाल, तो सच में मेरे बालों का एकदम सत्यानाश हो गया है, बहुत ही बेकार हो गए हैं। ये इधर भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी हो जा रहा है, बिल्कुल भी मेरे बालों की केयर नहीं हो पा रही है। तो अब बालों में मैं अपने बालों को सिल्की कैसे करती हूँ तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी आगे वीडियो में।
और होली के बाद वो मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इधर भी बहुत सारे काम भी है मुझे और बहुत ज़्यादा मुझे ट्रैवल भी करना है, इसलिए वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बाद में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने बालों में स्मूदनिंग करवाई थी, इसलिए मैंने नीचे के तरफ के बालों में मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, सिर्फ ऊपर ही ऊपर मैंने मेहंदी लगवाई हुई है, नीचे मैंने बिल्कुल भी बालों में मेहंदी नहीं लगवाई, क्योंकि अभी मेरे बालों में स्मूदनिंग है इसलिए। और मैं पहले कलर लगाती थी, कलर मैंने लगाना बंद कर दिया क्योंकि कलर ने मेरे बालों को और सत्यानाश कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मेरी मेहंदी जो है वो पूरे बालों में बहुत अच्छी तरीके से लग गई है। 1 घंटे बाद इस मेहंदी को हम धुल लेंगे, थोड़ी सी सूख जाएगी, तो बहुत ही अच्छे तरह से एक एक बाल में मेहंदी लग के तैयार हो गई। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से, सिर्फ ऊपर ऊपर मैंने लगाई है मेहंदी, नीचे के बालों में मैंने नहीं लगाई है। तो पूरी लेंथ बालों की इसी तरह से मैंने छोड़ दी है, क्योंकि जब हम रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो उसके बाद मेहंदी लगाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, बट मुझे कलर सूट नहीं करता था इसलिए मैंने कलर छोड़ दिया। तो अब 1 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने हेयर को वॉश कर लिया है, अब आपको दिखाते हैं बालों को हम अच्छे से पोंछ लेंगे। और हेयर ड्रायर मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, वो भी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, कि हेयर ड्रायर जो होता है वो हमारे बालों को डैमेज कर देता है। तो अच्छा यही है कि आप नेचुरल तरीके से अपने हेयर को सुखाएं। तो यहाँ पर देखिए मेरे बाल इस तरह से सूखते रहेंगे, अच्छे से मैंने पोंछ लिया, बाल में मेहंदी जो है पूरे बालों में बहुत ही अच्छे से लग गई है। तो देखिए ये तरीका मेरा आपको कैसा लगा मेहंदी लगाने का, आई होप आपको पसंद आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।